सुजानगढ़ की कोतवाली पुलिस ने वृद्ध महिला के साथ लूट के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोतवाली थाना अधिकारी धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि 4 अप्रैल को सिंधी कुएं के पास स्थित घर में घुसकर वृद्ध महिला के साथ आरोपी मोहम्मद जावेद अली ने लूट की थी। इस प्रकरण में आरोपी को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जिस पर न्यायालय में आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। जावेद पर वृद्धा के पहने हुए गहने लूटने का आरोप है। करीब 1 महीना पहले 4 अप्रैल को लगभग 12 बजे के लगभग घटना घटी थी, जिस सूचना प्राप्त हुई थी कि एक वार्ड नंबर 21 में एक वृद्धा के साथ में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा सोने की देवरा मारपीट करके और ले गया, जिसकी ने टीम बनाई श्रीमान सतीश महोदय और श्रीमान अडीश साहब सुजानगढ़ शिव साहब के निर्देशन में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एक टीम बनाई, जिसमें हमने काफ़ी प्रयास किया और जिसमें हमने हमारी थाने की टीम और चूरू साइबर सेल वहाँ की मदद से आरोपी को पूर्व के जो मोबाइल और सिम थी दोनों चेंज कर ली थी, नया मोबाइल नया सिम लिया और मुखबिर के और जो इलेक्ट्रॉनिक तंत्र हैं उनके माध्यम से जयपुर टीम भेजी हुई थी, वहाँ से उनको डिटेन करके कल उसको गिरफ्तार किया है। आज हम न्यायालय में उसको पेश करके 3 दिन का पीसी रिमांड किया है। खबर क्या